सौ सुना सर प्रकाशित वाक्य एक का दस जी मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सब बड़ा शब्द ये कहते सुना एक मिनट सर वापस पढ़ना अपने पीछे मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द ये कहते सुना मतलब तुरही थी या तुरही का सा शब्द था जिसको बड़ी स्पष्टता से आप लोग सब सुन रहे सर बहुत स्पष्टता से ताकि ये हमना के कानों तक पहुंच जाए और उसको कहा जाए लिखो क्योंकि कलीसिया कम से कम 2018 साल तक तो चली कहां तक चलेगी मैडम कम से कम 2018 साल तक तो चलेगी क्योंकि पहली सदी में पुस्तक लिखी गई योहन्ना को पूछा जाए तो वो नहीं कह पाएगा क्योंकि उसने ना तो आजकल का व्हाट्सएप देखा था ना आपका यूट्यूब देखा था ना फेसबुक देखा था और ना ही 4G और 5G क्योंकि उसको नहीं पता था कि दुनिया कहां तक जाएगी जिसको आज हम लोग कहते हैं मॉडर्न सिटी या फिर स्मार्ट सिटी लेकिन यीशु को पता था उसको कहता है स्पष्ट सुन ले आइए सर आगे बढ़िए क्या लिखा है जी जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर जी सातों कलीसियाओं के पास भेज एक मिनट सर किसके पास भेज दे सातों कलीसियाओं कौन सी कलीसिया सर ओके यहां पे देखिए प्लीज अपने हाथ को ऐसे करिए ऐसे 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 वो कलीसिया कौन है पता है अब ऐसे करिए वो आप तो इसका मतलब है पास जी ये पत्री आपको लिखा गया है ये लेटर आपको लिखा गया है मेरी बहन ये लेटर जितने जवान लड़के 20 साल से लेकर 25-30 साल तक आपको लिखा गया है और प्रभु कहता है इतनी स्पष्टता से सुन ले ताकि वो दूसरों को पहुंचा सके इसका मतलब है ये कोई और नहीं है एक साल वापस बोल दीजिए ये वो कलीसिया है जो पृथ्वी के ऊपर पवित्र आत्मा ने उसके साथ में परमेश्वर ने कहा रहो जब तक मैं वापस नहीं आ जाता मेरे को बड़े ध्यान से सुनिए मेरे मैसेज के मैं डीप में जा रहा हूं बड़े ध्यान से सुनिए आप लोग सब तैयार हैं जैसे ही पत्रस को यीशु ने कहा सर वहां पर आ जाइए मत्ती की किताब थैंक यू फॉर रीडिंग ब्रदर मत्ती की किताब उसका 16वां अध्याय वचन 18 में वापस आइए सर फिर आगे बात करते हैं मत्ती की किताब उसका 16वां अध्याय वचन 18 जी और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पत्रस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा दैट्स इट भैया वापस पढ़िए और बड़े ध्यान से सुनिए मैं तुझसे कहता हूँ और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पत्रस है और मैं इस पत्थर पर एक मिनट मैं इस पत्थर पर पत्थर कौन है सर इंग्लिश में लिखा है आई विल मेक यू योर रॉक सो हु इज द रॉक अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर जीसस पहला ग्रंथियों 10:11 आते हैं अगर आप पढ़ोगे वचन 4 मत पढ़िए वहां लिखा है कि यीशु मसीह पत्थर है आमीन मेरा प्रश्न है यीशु ने पत्थर को कहा इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा इज दैट राइट आप लोग सब सुन रहे हैं इसका मतलब है कि यीशु ने कहा पत्रस को पत्रस तू पत्रस नहीं है तू पत्थर है और पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और मैं प्रभावित हो गया आगे का लाइन वहां लिखा है अधोलोक के फाटक इस पत्थर पर जिस पर कलीसिया बनी है प्रबल नहीं होंगे इज दैट राइट इसका मतलब है वो कलीसिया कौन है वापस वो कलीसिया कौन है वापस यहां तो इसका मतलब है यीशु ने इधर देखिए प्लीज यीशु ने कलीसिया को इस पृथ्वी पर पावरलेस रखा है या पावरफुल रखा है पावरफुल रखा है एक कोई छोटी लड़की यहां है सिस्टर कोई है यहां पर कम सिस्टर कम यू कम सिस्टर कोई भी आइए नाउ से दिस हालांकि ये सिस्टर है लेकिन आप कलीसिया के रूप में देख रहे हैं सिस्टर यहां पे आ जाइए यहां पे आ जाइए आपका राइट हैंड आप आगे बढ़ा देना इनकी तरफ फेस करिए इनकी तरफ फेस करिए थोड़ा दूर जाइए ओके ये रहा संसार ये रहा बीमारी ये रहा बंधन ये रहे समस्याएं और वचन कहता है कि जब कलीसिया पावरफुल हो जाएगी अगर कलीसिया ने बीमारों पर
बहुत ध्यान से सुनना सर, और अगर जरूरत है तो ताली बजाना, नहीं तो फिर चुपचाप बैठे रहना। आप है तैयार? जैसे ही कलीसिया बीमारों पर हाथ रखेगी, बीमार चंगा हो जाएगा। एक कल यहां पर एक अनाउंसमेंट हुआ था, मैंने उसको बड़े ध्यान से सुना, जो बिल्कुल लास्ट में अनाउंसमेंट हुआ था, और वो अनाउंसमेंट यह था कि कहीं पर एक और कन्वेंशन होने जा रही है, उनके कोई वक्ता वहां पर आने जा रहे हैं जिनका नाम मैं शायद भूल गया हूं, और वो ये भी कह रहे थे कि उनको चंगाई का वाह, इसका मतलब आपने भी ध्यान रखा है। और जैसे मैं वहां पर बैठा, मैं सुन रहा था, मैंने कहा वाह, सब बोल सकते थोड़ा जोर से प्लीज, वाह। आपको पता है सिर्फ उनको नहीं है दान, आपको भी है वो। एक मिनट, परमेश्वर, थैंक यू सिस्टर, उठना बेटा। परमेश्वर ने जैसे ही पत्रस को कहा कि पत्रस तू वो कलीसिया है जिस पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, पत्थर है जिस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। इसका मतलब है उसी दिन से पत्रस को पता चल गया था, सिस्टर थोड़ा आगे आइए, यहाँ चलते रहिए, कलीसिया पृथ्वी पे चलना शुरू करिए। आप लोग सब तैयार हैं? मेरा थोड़ा सा भी गियर चेंज होगा, क्योंकि मैं शायद अभी थर्ड गियर में था तो टॉप में आ जाऊंगा, थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए। मैं स्पीड बोलता हूँ लेकिन उतना भी नहीं कि आपको समझ लेना, और यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है, आपको वापस मिल जाएगा, पासेस आप कर मेरा मैसेज। आप लोग तैयार हैं? कलीसिया जब पृथ्वी पे चल रही थी, जब यीशु मसीह पृथ्वी पर था, आपको पता है क्या हुआ? पवित्र आत्मा ने पत्रस को छुआ और पत्रस की परछाई से, कमॉन आंसर दी, पत्रस की परछाई से, वहां लिखा है लोग चंगे हो रहे थे। आपने पत्रस पढ़ा, मैंने कलीसिया पढ़ा। मैं रिपीट करता हूं, आपने क्या पढ़ा सर? आपने पत्रस पढ़ा, लेकिन मैंने कलीसिया पड़ा। और आपको पता है वही यीशु, वही पवित्र आत्मा, वही पिता परमेश्वर अभी भी यहां पर है। जितनी कलीसिया यहां पर बैठी है, जो पत्रस के साथ करा सकता है, आपके साथ करा सकता है। मैं नाम इसलिए लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, नहीं तो हम तो उनसे प्यार करते हैं क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। मोदी साहब 10 घंटा भाषण देते कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बेटा जल्दी की तरह, मोदी साहब 10 घंटा भाषण दे रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये लड़का कलीसिया 5 मिनट बात कर ले हजारों का उधार कर देगा। मैं रिपीट करता हूं, बड़े बड़े राजा पृथ्वी पर आ गए, बड़े बड़े महाराजा पृथ्वी पर आ गए, लेकिन जैसे ही कलीसिया ने, थैंक यू बेटा, जैसे ही कलीसिया ने पृथ्वी पे चलना शुरू करा सर, इतिहास गवाह है, पृथ्वी पर हंगामा होना शुरू हो गया, पृथ्वी पर भूचाल आना शुरू हो गया। सर जल्दी से वचन पढ़ लीजिए, इसको क्यों चेंज कर दिया सर, वही रखो जो पहले था, डोंट चेंज इट, है ना। पृथ्वी पे हल्ला मचना शुरू हो गया सर, बड़े ध्यान से सुनिएगा, लिखा है प्रकाश प्रेरितों की किताब उसका 17वां अध्याय वचन 6, द बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 17 एंड वर्स 6 में लिखा है, आइए सुनते क्या लिखा है। मिट कट करना, मिट मिट कट कर दीजिए। उन्हें मार पाकर वे यह चिल्लाते हुए यासोन और कुछ भाइयों को नगर के हाकिमों के सामने खींच लाए, ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है। वापस आइए सर, ये लोग कौन से लोग हैं? देखिए, ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है। ओके, यहाँ पे देखिए प्लीज, ये कौन है? एक साथ कलीसिया, सिस्टर चलिए थोड़ा सा थोड़ा चलिए, तो ये कौन आ रही है? ये वो है जिसने जगत को, थोड़ा हाथ ऐसे कर सकते प्लीज, जिसने जगत को उलट पुलट कर दिया। बहुत अच्छी बात कल हम साहब बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि आपकी जिंदगी सिर्फ सिर्फ, बड़ा अच्छा लगा सर, मैं भी बैठे बैठे हंस रहा था, दादा बनना नहीं है, अगर आपको याद आ गया होगा, आपका मकसद सर नहीं है यहाँ पर BHK 3 BHK BMW ऑडी कार में घूमना, नहीं है। उसे किसी ने कहा कि पास चेंज हो रहा है भैया, कुछ सेटिंग चेंज करेंगे। मुझसे किसी ने कहा कि पास डेनियल प्रार्थना कर दो गाड़ी मिल जाए, प्रार्थना कर दो बंगला मिल जाए, प्रार्थना कर दो बिजनेस सक्सेस हो जाए, प्रार्थना कर दो अमेरिका का वीजा आ जाए। मैंने कहा बेटा कलीसिया बन जा, सब मिल जाएगा। आप मेरे साथ में, मेरा माइक फिर चेंज हो रहा है सर, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, कुछ करिए सर इसको, मिट मुझे पसंद नहीं है, मुझे ऐसा लगा। हाँ अब आया, थैंक यू, है ना सिस्टर, वापस घूमे। सो पृथ्वी पे कौन घूम रहा है? एक साथ कलीसिया, कौन सी कलीसिया जिसने जगत को
उलट पुलट कर दिया है। वाह, मैं कुछ चीजें बहुत जल्दी आपके बीच में रखने जा रहा हूं। क्या जोधपुर में, वाह सिस्टर बहुत अच्छा कर रही हैं आप, क्या जोधपुर में ऐसी कलीसिया फिर से वापस चाहिए जो पहली सदी में होता था? आपका रिस्पॉन्स चाहिए, पीछे जितने लोग बैठे सर, मैं रिपीट करता हूं, क्या पृथ्वी पे वापस ऐसी कलीसिया चाहिए? और मैं समझता हूं यहां पर ऐसी कलीसिया कुछ है जिसकी वजह से आप यहां पर हैं। जितने भी कन्वेंशन अभी तक हो चुके हैं, ये 25वां है आपका। जानते हो जब मैं कल बैठा प्रभु के दास को सुन रहा था, मैं यही प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर इतने सारे लोग हैं, कम से कम 1200-1500 के आसपास लोग हैं, प्रभु अगर आपने इनको ऐसी कलीसिया बना दी, 40 लाख लोगों को जो खुल के प्रभु यहां से मेरे साथ में। मुझे एक और चीज आपके बीच में रखने दीजिए, आप सब तैयार हैं? कुछ चीजों को बड़े ध्यान से समझना होगा। यू रेडी फॉर दैट? सर एक वचन को और पढ़ना होगा आपके लिए। सिस्टर थैंक यू सो मच, बिल्कुल खड़ी हो जाए, लेकिन मैं जब तक नहीं कहता प्लीज जाना नहीं। मैं चाहता हूं कि जल्दी से पढ़िए पास्टर जी इब्रानियों की पुस्तक उसका 10वां अध्याय वचन 10, 11, 12 या तो फिर जी 10 से पढ़ लीजिए। चलिए, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है, परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए। एक मिनट, ये व्यक्ति तो पापों के बदले सर्वदा के लिए एक ही बलिदान चढ़कर चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जाता है। एक मिनट वापस पढ़ना लास्ट लाइन, परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। सर बस जी आप लोगों ने सुना, वापस पढ़िए, परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। ओके, अब आगे का लाइन बड़े ध्यान से सुनिए। जी जी, और उसी समय से इसकी बात जो रहा है। एक मिनट, उसी समय से एक बात जो ही जा रही है, एक वेटिंग है। कमोन अगर आपने पकड़ लिया, वो वेटिंग क्या है सुनिए, कि उसके बैरी उसके पांव। एक मिनट, उसके बैरी उसके पांव के नीचे। आई रिपीट अगेन, उसके बैरी उसके पांव के नीचे। ये उसके बैरी उसके पांव किसके पांव? कुछ लोग समझ गए हैं, क्योंकि यीशु मसीह तो ऊपर जाकर बैठ गए भैया, लेकिन बात हो रही है पृथ्वी की, तो पृथ्वी का बैरी पृथ्वी के किसी के पांव के नीचे आने वाला है, उसकी बात जोई जा रही है, वो उसके कौन है? बहुत सही जवाब। वो सर एक चेयर दे दीजिए, देखिए आप प्लीज मैडम बैठिए, मतलब कलीसिया बैठिए, कलीसिया एड्रेस करते हैं। सिर्फ अपना एक पैर ऐसे कर दीजिए, बस थोड़ा उतार दीजिए ऊपर। आपको पता है, मैं रिपीट करता हूं, जितने प्रभु के दास यहां पर बैठे हैं हम आपसे प्यार करते हैं, लेकिन आपको यह समझना बहुत जरूरी होगा कि बाहर का शत्रु आपके सर पे नहीं, बाहर का शत्रु आपके पैर के नीचे होना चाहिए। राइट सर? और ये बहुत जरूरी है, आप बैप्टिस्ट हैं, आप पेंटिकॉस्टल हैं, कैरिस्मेटिक हैं, आप जो भी हैं सर, आपका शत्रु, जोधपुर का शत्रु, महाराष्ट्र का शत्रु, एमपी का शत्रु, एपी का शत्रु, केपी का शत्रु, जम्मू का शत्रु, गोवा का शत्रु, अमेरिका का शत्रु, यूरोप का शत्रु, कलीसिया के पांव के नीचे है भैया। जो लोग पीछे है सर, आपको ये समझना होगा कि कलीसिया जब तक अपने आप को पूरी तरह से तैयार नहीं कर लेती, हो सकता है कि आपको अभी तकलीफ होना शुरू हो जाए। यीशु नहीं आएगा। मैं रिपीट करता हूं, जब तक कलीसिया अपने आप को पूरी तरह से तैयार नहीं कर लेगी, लिसन टू मी, यीशु नहीं आएगा। टंके की चोट पे बोलता हूं, नहीं आएगा। और उसने खुद कहा है कि मैं तब तक नहीं आऊंगा, मेरे पास वक्त नहीं है साहब, मती का 24:14 पढ़ा। जब तक कलीसिया पूरी तरह से मैडम पहले नीचे कर रहा हूं, जब तक कलीसिया पूरी तरह से अपने आप को तैयार नहीं कर लेती, यीशु मसीह नहीं आएगा। क्योंकि मैं समझता हूं कि ये बच्चे 4 दिन में या 3 दिन में प्रभु के दास और मैं उसको खुलासा करने जा रहे हैं। आमीन। आप सभी को यह समझना बहुत जरूरी है कि कलीसिया पहले तैयार हो जाए बाहर के लिए। एक वचन सुनिए, आप सब तैयार हैं अभी तक? लेसन दस,
आपको जानकर ताजुब होगा कि पौलुस को पवित्र आत्मा ने एक ऐसी चीज बता दी जो मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। इफिसियों की किताब उसका पांचवा अध्याय वचन 32, द बुक ऑफ इफिसियंस चैप्टर 5 वर्स 32। जितने YouTube पे देखने वाले हैं, Facebook पे जो लोग अभी देख रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिए भैया, यीशु मसीह एक चीज के लिए रुका हुआ है और वह है उसकी कलीसिया परिपूर्णता में आ जाए। जी हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। रिपीट, वापस पढ़िए पास जी। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। ओके, नेक्स्ट। क्योंकि पति पत्नी का सिर है। 5:32 पढ़ने का सुनिए, 32:32। सॉरी, यह भेद तो बड़ा है। हाँ, वापस आइए। यह भेद तो बड़ा है। वापस आइए। यह भेद तो बड़ा है। जितने प्रभु के दास हैं और जितने पीछे हैं, भैया सब सुनिए, ये भेद तो बड़ा है। इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है इट्स अ ग्रेट मिस्ट्री। व्हाई इट इज अ ग्रेट मिस्ट्री, ये बड़ा रहस्य क्यों है? आगे सुनिए। पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। इसको मसीह और कलीसिया लाउड चाहिए, और एक साथ कलीसिया, इसका मतलब है सर आपका टाइम आ गया। आइए, आहा, यीशु का रोल करने जा रहे हैं, राजा यीशु का रोल करने जा रहे हैं। थोड़ी तो ताली बनती है सर आपके लिए, नहीं जो नाटक में यीशु बन रहे उसके लिए। ओके मैडम, खड़े हो जाइए। आइए सर साथ में आइए। मेरा प्रश्न है, वहां पर लिखा है इट्स अ ग्रेट मिस्ट्री, इजंट इट, ये बड़ा रहस्य है। ये बड़ा रहस्य क्या है? बड़े ध्यान से सुनिए सर, ऐसा है, आपका तो हक है। आपको कैसा लग रहा है ये जोड़ी? अब तक ताली नहीं बज रही थी, जैसे ही आपके लोगों की बात करना शुरू किया, आप उन्हें ताली बजाना शुरू किया, क्या बात है? चलिए कोई बात नहीं, आप इनके लोगों की बात करते रहेंगे। ये जो जोड़ी है, आप इसको इनकी जोड़ी मत देखिए, एक है कलीसिया और दूसरा है यीशु। आपको सुनकर और आपको जानकर ताजुब होगा जो मैं अगला लाइन बोलने जा रहा हूं। आप लोग तैयार हैं? आपकी अपेक्षा, आपका एक्सपेक्टेशन को थोड़ा सा हाई करिए। आइए बड़ी थोड़ा जोर से, यस, जो लोग पीछे भैया यस। Now, listen this. जैसे लिखा है ये रहस्य बड़ा है। मैंने प्रभु के आत्मा से पूछा, प्रभु ये रहस्य क्या है जो 21 सदी की कलीसिया को जाना जरूरी है? तब पवित्र आत्मा ने कहा कि डैनियल इफिसियों 1:18 पढ़ ले। आइए ये लास्ट है, उसके बाद हम लोग देखते क्या करना है। इफिसियों 1:18। जितने प्रभु के दास हैं मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा सर, आप लोग भी बाइबल खोलिए, इफिसियों 1:18। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। वापस पढ़ना सर। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। ओके सर, वहां धन है। ओके, मैंने इसको इंग्लिश में पढ़ा, मैंने एम्पलीफाइड वर्जन में पढ़ा, मैंने किंग जेम वर्जन में पढ़ा, न्यू किंग जेम वर्जन में पढ़ा, अमेरिकन स्टैंडर्ड ट्रांसलेशन में पढ़ा, मैंने ग्रीक में भी पढ़ा सर उसको, और मुझे पता चला है द रिचेस ऑफ हिज ग्लोरी, रिचेस ऑफ हिज ग्लोरी। मैंने जब उसको पढ़ा तो मुझे एक चीज समझ गए सब, यह देखिए प्लीज, क्या आपको मेरे हाथ में ये ATM कार्ड दिख रहा है? ओके, मैंने सिर्फ आपसे पिन नंबर नहीं पूछा, नहीं तो मैं मालामाल हो जाऊंगा। ऐसा ही जैसा ये मेरे हाथ में आप ATM कार्ड देख रहे हैं मोदी साहब की वजह से, क्योंकि उन्होंने कहा कैश लेस, और मैं समझता हूं कभी भी रात के टाइम, सुबह के टाइम कोई भी रेजोल्यूशन पास हो सकता है। मोदी साहब ने कहा अब सारे के सारे कागज के नोट बंद, फिर बोला क्या इसको कहते हैं प्लास्टिक मनी, और ये शुरू हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका में आप भी जाते रहते हैं, मैं भी जाते रहता हूं, और वहां पर पैसे चलते ही नहीं है, वहां तो सब स्वाइप होता है, अगर आप लोग समझ गए होंगे। फिर मुझे पता चला कि भारत भी कभी भी वो वाला स्वाइप नहीं, आप मेरे साथ में। फिर मुझे ये भी पता चला कि परमेश्वर ने अपनी बुलाहट में एक साथ बोल दीजिए महिमा का धन दिया हुआ। मैंने कहा पवित्र आत्मा ये कैसे पॉसिबल है? यही तो बात है जो मैं आपके बीच में लाने जा रहा हूं, जो मुझे तभी पवित्र आत्मा ने बताई। मुझे एक
व्यक्ति और चाहिए जो, अच्छा दीदी को बुला लेते हैं ऊपर है, सर आइए, वो कुर्सी मिल सकता है प्लीज, सर आप अभी हाथ छोड़ दीजिए, आप उधर चले जाइए, मैडम आप इधर आ जाइए, इस तरह इस तरह, और सर आप यहाँ आ जाइए, वाह आप बहुत अच्छे लग रहे हो सर। मैं चाहता हूँ कि इसको पकड़िए दोनों हाथ से, और अब आप पूछोगे ये कौन है राइट साइड में, आप कौन है लेफ्ट साइड में, और आप कौन है सेंटर में, सुनना चाहोगे, और ये सब कुछ वहां है, कहां है अभी उसके आगे जब पढ़ेंगे। आप लोग तैयार हैं? वचन 20 को बड़े ध्यान से पढ़िए, द वर्ड 20, ठीक, जो उसने, एक मिनट वापस, जो उसने, वापस, जो उसने, एक मिनट, लिखा क्या है उसने, किसने, पिता परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने जो उसने मसीह में किया कि उसको उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्ग स्थान, बस यहाँ रुक जाए, तो इसने, इधर देखिए प्लीज, इसने इनको मुर्दों में से जिलाकर, आगे तो हम पढ़ेंगे, लेकिन ये कौन है, तो एक साथ बोल दीजिए परमेश्वर पिता, वाह, तो परमेश्वर पिता के पास में, नाउ गेट रेडी, परमेश्वर पिता के पास में सारा अधिकार, सारा सामर्थ, और जिसको कहते हैं द रिचेस ऑफ हिज ग्लोरी, यानी महिमा का एटीएम कार्ड अपने पिता के पास में था। आइए सुनते हैं, अब बेटे के पास कैसे जाएगा, तो सर फिलहाल मुझे दे दीजिए, और आपका राइट हैंड, आपका राइट हैंड इनके कंधे पर रख दीजिए, पढ़िए सर, बड़े ध्यान से सुनिएगा, मेरे मरे हुए में से जिलाकर, सबसे पहले यीशु को मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर राइट साइड, सब प्रकार की प्रधानता, कैन यू रिपीट, सब प्रकार की प्रधानता, इसका मतलब है सब, मैं रिपीट करता हूं, इसका मतलब क्या है सर, सब, इसका मतलब है पिता परमेश्वर ने कुछ भी नहीं रख छोड़ा, जो दे दिया सब, वाव, इसका मतलब है यीशु के पास में सब अधिकार है, आगे सब प्रकार की प्रधानता जी, और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर चाहे इधर का हो, अपने आगे बोल देना था, चाहे उधर का हो, ऐसा वाला हो या वैसा वाला हो, चाहे कहीं का भी हो, यीशु का नाम सब नामों के ऊपर श्रेष्ठ है। मैं रिपीट कर देता हूं, किसी का नाम आता होगा एच से, जिसको समझ में आ रहा है एंजॉय करिए, किसी का नाम आता होगा एच से, किसी का नाम होता होगा आर से, किसी का नाम आता होगा एम से, इनका सिक्का हर जगह नहीं चलता, यीशु का सिक्का, आप समझदार हैं, अब मेरे साथ में, सबकी कब्र पे पत्थर अभी भी है, यीशु की कब्र पर कब्र है, पत्थर नहीं है, अब मेरे साथ में, यीशु था, यीशु है, और यीशु रहेगा, अब मेरे साथ में, मुझसे किसी ने पूछा, पास्टर जी जरा वहीं पे रुकना, मुझसे किसी ने पूछा, पास्टर डैनियल आपका यीशु मसीह ही है, हमारा भी है, आप नहीं समझे, किसी ने मुझसे कहा आपका यीशु ही है तो हमारा भी है, मैंने कहा तेरा भी नहीं मेरा ही है, आप लोग नहीं समझे, उसने कहा मेरा भी है, मैंने कहा तेरा भी है तो मर के दिखाए, बोला मरा, मैंने कहा जी के दिखाए, बोला नहीं हो सकता, तो यीशु ही है, यीशु भी नहीं, वो ही मरा था, वो ही जी उठा है, इसलिए तो कहा कब्र खाली है, लेकिन तालियों में कोई जोर नहीं है, मुझसे किसी ने पूछा यीशु मसीह कैसा है, मैंने कहा ऐसा है कि पैदा होते ही, बड़े ध्यान से सुनना, पैदा होते ही कैलेंडर के दो टुकड़े हो गए, आप नहीं समझे, कैलेंडर के भाई साहब दो टुकड़े हो गए, एक हो गया एडी और दूसरा हो गया बीसी, क्या बात है साहब, वहां जिसने कैलेंडर छापी, चाहे इधर का हो या उधर का हो, देश का हो या विदेशी का हो, कैलेंडर छापते वक्त में एडी और बीसी जरूर डालता है।
अब मेरे साथ में पानी पे चलता है तो पानी रुक जाती है, हवा को कहता है तो हवा थम जाती है, मुर्दे को बुलाता है चार दिन का हो जिंदा होकर आ जाता है। कोई तो बीच में चिल्लाया अच्छा लगा भैया। अब मेरे साथ में मुझसे किसी ने पूछा यीशु मसीह और क्या कर सकते हैं, मैंने कहा सबका छोड़ दे तेरी जिंदगी बदल सकता है ऐसा यीशु। अब मेरे साथ में यीशु को बड़े ध्यान से सुनना, यीशु को हर चीज का अधिकार है और जहां कहीं नहीं चलता वहां यीशु चलता है। और एक आ गया सर क्या करूं, एक लड़का और आ सकता सर, आप थोड़ा देर ऐसे रुके, मैं आपको बता रहा था और आप भी बता रहे थे कि पवित्र आत्मा जैसे चलाए चलते रहना, सर मेरे को इशारा कर देना मेरा टाइम कब हो गया है, आप ऐसा करोगे मैं ऐसा समझूंगा। किधर गए अच्छा बेटा, ये निकाल सकते हो थोड़ी देर के लिए क्योंकि बड़ा पवित्र लग रहा है। वाह ये भी अच्छा है, अंदर एक बाहर एक जैकेट, अंदर एक जैकेट, ऐसे कर लेना बेटा हाथ। एक व्यक्ति पत्रस और योना से पास हुई, उसने कहा सोना चांदी है तो दे दो, और जैसे ही उसको लगा ये सोना चांदी ले सकते, मैंने जब पढ़ा जरा हाथ देखिए प्लीज, मैंने कहा सोना चांदी अगर पत्रस के पास में होता तो वो देता, अगर होता भाई साहब तो वो देता, बड़े ध्यान से सुनना नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। सोना हाथ में आ सकता है, मैं रिपीट करता हूं सोना सर हाथ में आ सकता है, लेकिन पत्रस ने कहा जो यहां आता है वो नहीं है, जो यहां आता है वो है। आपने शायद नहीं समझा, रिपीट कर देता हूं, जो यहां आता है वो नहीं है, जो यहां आता है वो है, जो यहां आता है वो दे दूंगा, तो जो यहां आता है कभी नहीं मांगेगा। मैंने पत्रस से पूछा अच्छा आप सभी ने वचन को पढ़ा हुआ है राइट सर, आप सबने वचन को पढ़ा हुआ है, वहां पर लिखा है हाँ बेटा ये कल से गुजर है अच्छा लगता है। पत्रस ने सर आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा, पत्रस कहता है पहले हमारी ओर देख, तो तीसरा जारी मत पढ़िए, जैसे उसने कहा हमारी ओर देख तो अंधे ने बोला चलो भाई कोई तो आया है अच्छा आदमी जो कह रहा है हमारी ओर देख, तो उसने सोना चांदी मांगा। पत्रस कहता है ये नहीं है, फिर अगर मैं अंधा होता क्षमा करे हाँ, अगर मैं लंगड़ा होता वहां पर तो मैं पत्रस को बोलता भाई पहली बात तो ये है जब तुझे कुछ देना ही नहीं था तो मुझे लंगड़े को क्यों कहा कि हमारी ओर देख, सुनना चाहोगे बड़े ध्यान से सुनिए। पत्रस ने कहा जो यहां आता है वो नहीं है, अगर जो यहां आता है सर अगर यहां दे देंगे तो तू वहां नहीं जाएगा जहां हम जाना चाहते हैं। उसने कहा हम तुझे यहां जो आता है वो देंगे, और जो यहां आता है वो लेकर जब तू वहां जाएगा तब तेरे पीछे पीछे हम भी वहां आएंगे, क्योंकि वहां के लोगों ने कुछ साल या महीनों पहले यीशु को क्रूस पे चढ़ाया है, उनको बताने के लिए तेरे जरिए जाना पड़ेगा। तो इसको कहते हैं जो वहां चलता है वो यहां नहीं चलता, लेकिन जो यहां चलता है अपने वहां जरूर चलेगा, क्योंकि ये कभी नहीं चला लेकिन वहां जोर से चला। और यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अभी जो आप देखोगे वो गजब का चीज है, जो कहीं नहीं चलता, चाहे जोधपुर हो या फिर राजस्थान का कोई भी हिस्सा हो, महाराष्ट्र हो, अगर कलीसिया को पता चल गया यहां नहीं यहां आ गया, तो आप भी हर जगह चलोगे। जरा चीख कर दे, जरा चीख कर चिल्ला कर डालो, जरा चीख कर चिल्ला कर, लेकिन ये नहीं बज रहा है सर अभी तक बेटा, ये मेरा है, मेरे पांच दिन के बाद घर वापस जाना है। सर वापस आइए जी, इधर आइए सर, सर वापस आइए, फिर उसी को जहां आपने रोक दिया सर आपका राइट है, बस मैं समाप्ति नहीं करता। सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया। एक मिनट तो सर, सब कुछ यीशु के हाथ में, प्लीज यहां देखिए प्लीज, आइए सर, सब कुछ यीशु के हाथ में देकर यीशु मसीह को सिंहासन पर, जरा जोर से सिंहासन पर
बिठाया। मैं पूछना चाहता हूं, यीशु मसीह जब सिंहासन पर बैठे, वरना नहीं, मरकुस की किताब 16:19, जब सिंहासन पर बैठे तो पावरफुल होकर बैठे या पावरलेस होकर बैठे, तो सारा अधिकार लेकर बैठे या फिर ऐसे ही बैठे, सारा अधिकार लेकर बैठे। आइए सर बताते हैं वो अधिकार क्या था। सर इसको लीजिए और बहुत आदर के साथ में दीजिए। सर आप अपोजिट और आपको देना है सर। अरे वाह क्या बात, बहुत अच्छा। आइए सर ये कार्ड ऐसे उठाकर दिखाइए और सर अपना हाथ, दोनों हाथ। मैं आपसे पूछता हूं, बड़े ध्यान से सुनना, क्या परमेश्वर पिता ने अपना सारा अधिकार यीशु को दिया? यह सारा सामान यीशु को दिया। क्यों दिया? क्योंकि लिखा है यीशु मसीह ही योग्य है, आदर के योग्य है, आराधना के योग्य है, महिमा के योग्य है, उस सिंहासन के। हाँ, और यीशु मसीह को यह सारा अधिकार देने के बाद में पिता ने कहा कि अब तू राज करे। क्या बात है। तो पिताजी को यानी परमेश्वर यहोवा को बिठा देते सर, प्लीज बैठ जाए। अब बात करते हैं यीशु की। सर आइए मैडम, थोड़ा देर आओ ना, अभी नहीं सर, बैठिए, पैर पे पैर डाल के बैठिए, ऐसा ऐसा थोड़ा ऐसा। क्या बात है सर, आगे बढ़िए, जरा ध्यान देना प्लीज। सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया और सब कुछ, एक मिनट, सब कुछ उसके पांव तले, वापस और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, वापस और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। सर ऐसी रखिए। मेरा प्रश्न है आप सभी से, जोधपुर आपका 25th कन्वेंशन है सर, 26th भी होगा, 27th भी होगा, 28th, आप समझ रहे हैं, और मेरे जैसे और आपके जैसे बहुत सारे आप बुलाएंगे। मेरा प्रश्न है, क्या आपको नहीं लगता कि हम यीशु की तरह उस परिपूर्णता में पहुंचे, ताकि जो ये दर्शन है जिसकी पूरी विश्व इंतजार कर रही है, क्योंकि हम जैसे लोगों ने बाहर के लोगों को बोला है कि यीशु आने वाला है, तुम आगे सुनो, लेकिन आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, लेकिन उसके पहले ये काम जरूरी है, तुम आगे सुनो। अब यीशु मसीह के पांव के नीचे, सर आप रिलैक्स बैठे, पैर दे दीजिए मुझे। मेरा प्रश्न है, क्या यीशु के पांव के नीचे सब कुछ है? जादू टोना आपको बोलना है यीशु के पांव के नीचे, आई रेडी नाउ, क्या जादू टोना यीशु के पांव के नीचे? यस। क्या हर तरह की दुष्ट आत्माएं यीशु के पांव के नीचे? क्या लूसीफर भी यीशु के पांव के नीचे? हर प्रकार की गरीबी यीशु के पांव के नीचे? वाह सुनिए इसको, अपने कुछ लोगों को बासु जी परेशानी है काली बिल्ली से। फिर मुझे पता चला कि बाहर के लोगों को तो प्रॉब्लम है ही, अपने लोगों को भी। मैंने पीछे से सुन लिया, इसलिए मैं टिका दिया, और ये बिल्कुल सही है। और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने सही कैंडिडेट को ऊपर बुला लिया? आप मेरे साथ में, मैंने एक दिन काली बिल्ली से पूछा, भाई तेरा प्रॉब्लम क्या है? भैया मेरा हिंदी बर्दाश्त करेगा। मैंने उससे पूछा तेरा प्रॉब्लम क्या है? कहती क्यों क्या हुआ? मैंने कहा जब हम इंसान जाते हैं अब बाहर तक अगर आवाज जा रही है तो भैया आप लोग भी सुन लो। मैंने काली बिल्ली से पूछा कि भाई तेरा प्रॉब्लम क्या है, जब हम जाते हैं तू क्यों जाती है? तब वो कहती है मेरा उस तरफ रिश्तेदार है, मेरा उस तरफ मेरा परिवार है। मैंने कहा तू जाया कर हमारे पहले क्यों? बोला हमको लगा राज हमारा है। आप नहीं समझे शायद, उसको लगा कि राज हमारा है क्योंकि हम बने थे आखिरी दिन अपने, और ये सब बने थे पांचवें छठवें दिन, और जब ये बनी तो इनको लगा कि राज हमारा है, लेकिन पीछे से आदम साहब आ गए, बोला अब मेरा है। तो बिल्ली को पता चला हो अब तो हमको तुम्हारे रहमो और कर्मो अभी बोला करो, फिर जीना पड़ेगा। इसलिए वो कहती है कि मैं आगे इसलिए जाती हूं ताकि मेरा काम बन जाए, इधर पब्लिक बोलती है कि तू आगे जाती है हमारा काम बिगड़ जाता है, फिर पीछे जाते हैं फिर आगे आते हैं। मैं आप सभी को कहना चाहता हूं एक साथ पूछो, क्या कभी काली बिल्ली से नहीं डरना? जल्दी पूछिए क्यों, क्योंकि जैसे ही आप यहां वाला सुनोगे आपको तो पिक्चर क्लियर हो ही जाएगा। लेकिन अभी से बताता हूं कि बिल्ली को भी प्रभु ने बनाया है, काला कलर भी
तुमने बनाया, अगर काला कलर गलत होता और वो जो भाई साहब पीछे का गलत भाई है वो भी कल काले ड्रेस में थे और आप दोनों का तो गजब ऐसा है। और आप पीछे देख लीजिए, ये भी काला कलर है जो पासों साफ करवाया। और अगर काला कलर इतना गलत होता मेरे भाई तो ये सर पे है। अब मेरे साथ में मेरी लड़की पैदा हुई थी, थैंक यू सिस्टर, मेरी लड़की पैदा हुई थी आज से 22 साल पहले, थैंक यू, आज से 22 साल पहले, बहुत खूबसूरत थी, पता है क्यों, मुझ पर गई थी। और जैसी वो पैदा हुई पास जी, मेरे दोस्तों ने कहा कि डैनियल भाई इसको काला, आप लोग समझदार हैं। मैंने कहा क्यों, वो अभी कैमरा भी चल रहा है, घर भी जाना, वो बात अलग है। मैंने पूछा क्यों, कहते हैं कि इसको नजर नहीं लगेगी। मैंने कहा अगर ऐसा है कि काला टीका लगाने से नजर नहीं लगेगी तो मैं इसको काला टीका नहीं लगाऊंगा। उससे पूछा क्यों, मैंने कहा इसकी माँ इसके साथ रहती है। अब जिसको समझ में आ रहा है, आप लोग इंजॉय कर रहे हैं, वो मुझे पता चल रहा है। आपका काला टीका, आपका काला कलर और आपका काला बिल्ली और आपके काले धागे से goodness, get ready now. Are you understanding what I'm saying? ये सारी चीजें एक साथ फोड़ दीजिए, यीशु के पांव के नीचे है। 500 का 100 का नोट, ओ मेरे पॉकेट में कुछ नोट है, आपको पता है इसको कहते हैं लक्ष्मी। ओ बाहर की भाषा, इसको क्या कहते हैं सर, लक्ष्मी, मुझे बताया गया इसको लात मत मारा करो। बोला क्यों, बोलता ये लक्ष्मी है। मैंने कहा तेरी बीवी को तू दिन भर रात मारते रहता जिसका नाम, उसको लात मार सकते हो, इसको लात, ये सारी चीजें कहां है सर, पैरों पर, पैरों पर, ये सारी चीजें कहां है, यीशु के पांव के नीचे। आप कोई भी जादू टोना, चाहे कलकत्ता का हो या साउथ अफ्रीका का हो, यहां का हो या वहां का हो, आपकी कोई भी बीमारी इस व्यक्ति के सामने नहीं टिक सकती। इस व्यक्ति ने, बस जी आगे बढ़ना, बस मैं समाप्ति की तरफ हूं। इस व्यक्ति ने जब यीशु के पांव के नीचे सब कुछ आ गया जी, और उसे सब वस्तुओं पर, अरे ध्यान से सुनिए, उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि, एक मिनट, शिरोमणि ठहराकर, ठहराकर कलीसिया को दे दिया। अब आप समझे, ऐसा लिखा है लास्ट का लाइन, सर वापस पढ़िए, ऐसा लिखा है लास्ट का लाइन, वापस पढ़िए, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। रिपीट लास्ट का लाइन, कलीसिया को दे दिया, कलीसिया को दे दिया। एवरीवन रिपीट जोर से, कलीसिया को दे दिया, दे दिया। मेरे बात बोली, एक साथ कलीसिया को दे दिया, कलीसिया को दे दिया। और वो कलीसिया कौन है, एक साथ ऐसे करिए और फिर ऐसे करिए, आप हैं। तो इसका मतलब है यहाँ नाटक में देखना चाहोगे क्या हुआ, आइए सर, यीशु जी आइए, ये कार्ड जैसे आपको मिला था तब आप झुके थे, अब आपको झुकना होगा क्योंकि ये आपका पति है, नेचुरल भी, आगे आप समझदार हैं। यीशु ने, अरे बाप रे, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, बहुत जल्दी ले लिया, क्या बात है, वापस उठिए मैडम, वापस आइए सर, दोनों हाथ से दीजिए सर, आपकी पत्नी है, नहीं 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 जी, अब लीजिए, क्या बात है सर, अपना हाथ दिखाइए सर, अपना हाथ दिखाइए, दोनों हाथ दिखाइए मैडम, सिस्टर आइए, आप कार्ड दिखाइए सर, ऐसे दोनों हाथ से, दोनों हाथ से, क्या बात है, एक बात आगे ले बात है, मुझे नहीं पता कि आपको हजम होगा या नहीं होगा, डाइजेस्ट होगा या नहीं होगा, लेकिन ये सच है, बोल दो जल्दी से, यीशु मसीह अभी भी सिंहासन पर है, यीशु मसीह अभी भी सिंहासन, इज इट राइट सर, प्लीज सपोर्ट मी, यीशु मसीह, बच्चों को शांत कर लीजिए प्लीज, यीशु मसीह, यीशु मसीह अभी भी सिंहासन पर है। एक चीज पूछूंगा, अधिकार के साथ है, अधिकार के साथ है या अधिकार किसी को देकर, अधिकार को देकर, ओके, नाउ लेट मी क्लियर दिस पॉइंट, आप लोग तैयार हैं, यीशु मसीह क्या जोधपुर को अभी बचा सकता है या कलीसिया, बहुत ध्यान से जवाब देना, क्या कलीसिया जोधपुर को बचाएगा, यीशु क्यों नहीं बचा सकता, क्योंकि यीशु ने खुद अपना सारा अधिकार,
कमॉन, किसको दे दिया? कलीसिया को दे दिया। मैं रिपीट करता हूं, पेंटिकॉस्ट कैरिस्मेटिक ऑर्थोडॉक्स से आप नहीं लाइन है, आप कोई भी हैं, आप सभी को यीशु मसीह ने ये अधिकार दिया, राइट सर? इसका मतलब है इस पृथ्वी पे डैनियल राज, अमोस सिंह साहब और यहाँ जितने प्रभु के आदरणीय सेवक बैठे और जो आप लोग यहाँ बैठे, आप सब कौन हैं? अब आप खुद बताइए, जिसके पास में ये पावर है उसको काली बिल्ली से डरना चाहिए क्या? उसको जादूटोना से डरना चाहिए सर?